सो दोस्तों, सुबह के 6:30 हो रही है और मौसम देखो यहाँ बहुत ही भयंकर बारिश आ गई है। मतलब बारिश रुक ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही है। कंटिन्यू बारिश लगी पड़ी है और अब इस बारिश में हम लोग कैसे कहाँ गए भाई साहब। वो देख सकते हैं तो बारिश कैसे जा रही है। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का टाइम हो चुका है और हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं। मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया दोस्तों क्योंकि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। मतलब कंटिन्यू कल रात 3 बजे से यहाँ पे 8:30 बजे तक कंटिन्यू बहुत भयंकर बारिश आ रही थी। मैंने आगे आप लोगों ने वीडियो में देख लिया होगा, वीडियो में आपको शायद साफ नहीं दिखा होगा बट बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो इस वजह से हम लोग लेट ही दर्शन करने के लिए। और हमने सोचा था हम माणा जाएंगे, माणा में घूमेंगे, वहाँ पे भीम पुल है, काफ़ी चीज़ें हैं वहाँ पे। लेकिन अभी हम लोग का वहाँ पे जाना कैंसिल हो गया, हम सीधा जा रहे हैं जोशीमठ। वहाँ पे नरसिंह मंदिर है, वहाँ पे हम थोड़ा देर रुकेंगे, उसके बाद हम वहाँ से चमोली की गाड़ी लेके सीधा गोपेश्वर निकल जाएंगे क्योंकि बारिश अभी भी यहाँ पे थोड़ी बहुत लगी, हल्की हल्की तो बारिश लगी है लेकिन आज पूरा दिन में भी बारिश हो यहाँ पे। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यार माणा जाने से अच्छा है कि भगवान बद्री विशाल के हमें दर्शन हो गए और सीधा यहाँ से अपना रूट पे निकल जाते हैं। बीच में अभी दो और है तो अभी मैं बैठी हूँ गाड़ी में, पीछे तो बैग रखे भैया, छत में रखेंगे बैग, पीछे बैग रखे छत में रख लो थोड़ी देर बैग ना, सीट में रख लूंगा इसको। ठीक है, इस सीट में रख दो तब तक, ऊपर ही यहाँ रख दो उसको, अभी वो छत में रखेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो ये है बस स्टैंड, अभी ये गए हुए हैं बस स्टैंड में देखने की अगर बस जा रही है। नहीं यहाँ दो ही होते अभी, आगे कोई नहीं है। नहीं सो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं जोशीमठ और अभी हम जा रहे हैं नरसिंह मंदिर में। तो यहाँ से नीचे का रास्ता और यहाँ अच्छी धूप लगी हुई है, वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ये है नीचे जाने का रास्ता, वापस आए कितने का है? यहाँ से प्रसाद ले जाओ और बाद में पैसे दो। तो ये है सामने पे नरसिंह मंदिर, चप्पल कहाँ फूल है?
तो दर्शन हमने कर लिए हैं, प्रसाद भी मिल गया है। पूरा बैक साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ मंदिर का, क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है कैमरा। आपको पता है अंदर मंदिर में किसी भी मंदिर में अलाउड नहीं होता अंदर कैमरा। बैक साइड से मैं आपको सब कुछ दिखा रही हूँ यहाँ का। तो काफ़ी बड़े स्पेस में बना हुआ है मंदिर। यहाँ पे पूजा काउंटर है, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा क्या क्या है। बाकी यहाँ पे अच्छी धूप लगी है दोस्तों। तीन रास्ते मंदिर के, एक इधर से, एक उधर से और एक फ्रंट का। आप हम जो थी योगेश तिवारी मिसाल को लेके जाना है। हाँ। और तो अभी जो थी वो रावल जी को लेके होना। अच्छा। हाँ। उनकी पालकी लेके आते हैं वहाँ से। ठीक है। हाँ जी, पट को हम जानवाती बद्री मिसाल। ठीक। हाँ। आप भी बताओगे मंदिर के बारे में? मंदिर के बारे में बता दो आप यहाँ पे यहाँ पे प्रसाद देते हैं, मतलब प्रसाद लेते हैं लोग यहाँ पे। बताओ आप मंदिर के कुछ बारे में। ये जो मंदिर है, बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान की जय। यह मंदिर जो है श्री नरसिंह भगवान जी का मुख्य मंदिर है, लक्ष्मी और नरसिंह मंदिर। हाँ जी। ये नरसिंह भगवान जी का सौम्य रूप है। जब भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया तो बहुत क्रोधित थे, तो कोई भी देवता ऋषि उनको शांत नहीं कर पा रहे थे। ब्रह्मा जी ने फिर प्रहलाद जी से कहा, हे प्रहलाद, तुम्हारे कारण भगवान ने ये अवतार लिया है, अब तुम ही शांत करो। तो प्रहलाद जी ने स्तुति की, तो ऐसा बताते हैं कि इसी स्थान पर भगवान शांत हुए थे। तो ये जो ये नरसिंह भगवान का रूप है, ये शांत रूप है, सौम्य रूप है, उग्र रूप नहीं है। दूसरा, 6 महीने बद्री विशाल जी की पूजा यहीं पे होती है। अच्छा, यहाँ पे होती है। जो आप टेलीविजन में देखते हो पालकी जाती है, रहती है, यहीं से जाती है, यहीं आती है। अच्छा। ये और जो अंदर जो मूर्ति है भगवान जी की, उसका एक बाई कलाई, उसके हाथ की बाई कलाई पतली होती जा रही है। ऐसा बताते हैं कि जिस दिन ये कलाई टूट जाएगी तो जो वर्तमान में बद्रीनाथ है वो अगम्य हो जाएगा। जय और विजय दो पर्वत हैं, रास्ते में वो मिल जाएंगे, रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाएगा। और जब वो तब यात्रा बद्री विशाल जी की, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर भविष्य बद्री है, वहाँ पे प्रारंभ होगी। अच्छा, बद्रीनाथ के। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद बताने के लिए यहाँ के बारे में। ठीक है, ठीक है भैया। तो आप लोगों ने यहाँ के लोगों से सुन लिया होगा कि इस मंदिर का रहस्य क्या है और आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। ये लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम से बैठते हैं, जब से ये मंदिर स्टार्ट हुआ है उसके बाद से इनके पूर्वज बैठते होंगे, फिर ये लोग बैठे। तो इन लोगों ने मेरे को ब्लॉग बनाते देख लिया, उन्होंने कहा कि आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं। मैंने कहा, तो मैंने कहा चलो
जब इन्होंने पूछ लिया तो इनसे कुछ जानकारी ले लें। तो अभी हम लोग ने मंदिर का दर्शन कर लिया और अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर जोशीमठ। तो अब हम लोग जा रहे हैं आगे, चमोली की गाड़ी लेंगे, चमोली तक जाएंगे, वहाँ से फिर देखते हैं गोपेश्वर निकलते हैं या फिर कहीं और। बने रहिएगा ब्लॉग में। यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है तो पठन, ये पूरा जोशीमठ का इलाका है। ये है जोशीमठ मार्केट। ये देखो दोस्तों बैग कैसे लेके जा रही हो। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं गोपेश्वर में। ये है गोपेश्वर का बस स्टैंड। तो मेरे को निकालो, बड़े अच्छी आ रही थी। गोपेश्वर अभी हमारे रिश्तेदार यानी कि मेरा देवर आ रहा है हमें लेने के लिए। देखते हैं कितना टाइम लगाता है। ये देखो बैग ही बैग रखा पड़े हैं। ये देखो तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं गोपेश्वर और अभी जस्ट मैं हूं अपने देवर के रूम पे, यानी कि यहां पे मेरी बुआ सास के बच्चे रहते हैं, लड़के और लड़की, लड़के और बहू, यानी कि मेरी देवरानी और देवर जी रहते हैं। तो अभी हम उनके रूम पे आए हैं और थोड़ी देर बाद हम लोग जाएंगे बुआ जी के घर, उन्हीं के साथ जाएंगे बुआ जी के घर जो कि यहां से थोड़ा दूर है, लगभग एक घंटे का रास्ता है। और जस्ट अभी मैं नहा धो के फ्री हुई हूँ, मैं भी नहा गई हूँ, गिरीश भी नहा गए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था यार ट्रैवल में मेरे साथ तो बड़ी प्रॉब्लम, मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है और इतनी धूल मिट्टी हो जाती है ना कि जो बिल्कुल भी हमसे सहन नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा जोशीमठ वाले रूट पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फेस पे बाल पे धूल मिट्टी आ गई थी। तो हम लोग उन्हें नहा धो के भी फिट हो चुके हैं, थोड़ी सी यहाँ पर धूप लगी है और बस हमारा जो बद्रीनाथ का टूर था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से मेरा नया ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा और बद्रीनाथ का जो ब्लॉग है यहीं पे मैं एंड करती हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ की गोपेश्वर की खूबसूरत गोपेश्वर दिखाना चाहूँगी, तो आप लोग देखिए। तो ये है, अभी मैं छत पर आई हूँ, तो ये देखिए अभी धूप भी थोड़ा सा धूप के आगे बादल लग गए। ये है सुंदर सा गोपेश्वर, ये देखिए ये पूरा है गोपेश्वर का इलाका, ये सारा गोपेश्वर का इलाका इधर से इधर तक। यहाँ मैंने कपड़े धोने के लिए डाले, धो के सुखाने के लिए डाले। बहुत ही सुंदर व्यू है गाइस, बहुत ही सुंदर व्यू। तो चलो दोस्तों अब मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये बद्रीनाथ का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और आप लोगों ने भी मेरे साथ श्री भगवान बद्रीनारायण के दर्शन कर लिए होंगे। तो अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको मेरे ट्रैवल वाले ब्लॉग पसंद आ रहे हैं और मैं जहाँ भी टेंपल में जा रही हूँ वहाँ के ब्लॉग आपको पसंद आ रहे हैं, तो मेक श्योर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलो अब मैं स्टार्ट करूँगी यहाँ से अपना नया ब्लॉग और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। सो बाय बाय।